हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद हिमा। तो गाइस, आज हम आपके साथ एक केक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो सुपर टेस्टी है, यूनिक है और क्विक एंड इजी रेसिपी है। और इस केक को बनाने के लिए आपको केक के किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये केक स्टैंड बन जाता है, यानी कि सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर ये केक बन करके तैयार हो जाता है। और इस केक के लिए ना हमें अंडा चाहिए, ना ओवन, ना कुकर, ना कढ़ाई, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस केक में ना ही तो कोई हम कंडेंस मिल्क डालने वाले हैं, ना बटर, ना मिल्क पाउडर, ना ही मैदा, आटा, सूजी, हम ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं डालने वाले हैं। और ये केक इतना सुपर टेस्टी है, इतना बढ़िया है कि इस केक में आपको कई चीज़ों के फ्लेवर मिलेंगे। इस केक में आपको मिल्क केक, कस्टर्ड, मलाई और मलाई केक का भी टेस्ट मिलने वाला है। तो चलिए इस सुपर टेस्टी केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बनी हुई बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस केक को बनाने से पहले हम सबसे पहले शुगर सिरप चढ़ाएंगे, तो उसके लिए आपको एक ऐसा पैन चढ़ाना है या फिर छोटा भगोना भी चढ़ा सकते हैं। तो हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, 1/2 कप चीनी डाल दी है और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। चीनी मेल्ट हो गई है, अब इसमें हम 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो डालें, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और इसमें हमने 3-4 इलायची को कूट के इसका पाउडर डाल दिया है, इससे इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसको हम 2-3 मिनट तक पकने देते हैं। तो हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्का सा चिपचिपा सा ये सिरप बन जाए, बस तब तक ही पकाना है। तो ये बन गया है, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और हमने एक पैन चढ़ा दिया है उसी गैस पर। और इसमें हमने 0.5 लीटर यानी कि 500 ml दूध डाल दिया है और दूध को हम बॉयल होने देते हैं। इसमें हमने 4 बड़ी चम्मच चीनी डाल दी है। चीनी हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने शुगर सिरप में भी चीनी डाली है, तो इसमें आप चीनी जान के ही डालें। और चीनी को मेल्ट होने तक हम दूध को पकने देते हैं। तो इधर हमने 1/2 कटोरी रूम टेम्परेचर का दूध लिया हुआ है, इसमें हम ये कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। तो ये वनीला फ्लेवर का जो कस्टर्ड पाउडर आता है ना, बस वही है। तो हमने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है और ये 3 बड़ी चम्मच इसमें हम कॉर्न फ्लोर डालेंगे। अगर आप कॉर्न फ्लोर नहीं डालना चाहते हैं तो आप कस्टर्ड पाउडर की मात्रा बढ़ा दीजिए और उसमें 1 चम्मच आप मैदा डाल दीजिए। कॉर्न फ्लोर या फिर मैदा डाल देने से घोल जो होता है वो जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है, आपको रबड़ी बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो घोल बनता है उसमें काफ़ी इलास्टिसिटी आ जाती है। घोल बन के तैयार हो गया, उसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और दूध भी बॉयल हो गया है तो ये जो हमने घोल बनाया है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो आपको हम पूरी ट्रिक्स और टिप्स बताते जा रहे हैं, आप इसको पूरे फॉलो करके ही जब भी बनाएंगे तो आपका केक कभी भी फेल नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा डालने से इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं और ये बहुत ही बढ़िया कस्टर्ड बन करके तैयार होता है। तो बस इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और कंटिन्यू चलाते जाएंगे। और ये देखिए कितनी जल्दी से ये गाढ़ा होने लगा है और ये काफ़ी बढ़िया सा जो है ये बन गया है। ये इसमें रबड़ी बनाने की हमें कोई चीज़ बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, और इस कस्टर्ड का इसमें फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये हमने सब डाल दिया है और ये हमने 2 बड़ी चम्मच मलाई ली है। तो ये घर के दूध की मलाई है, आप इसकी जगह पे अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं या फिर बटर डाल दीजिए। तो इससे इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही रिच हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इसको डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लिया है। तो बस आपको इस कंसिस्टेंसी तक ही पकाना है, जबकि इसमें स्पैचुला पे ऐसे कोट हो जाता है तो बस वहाँ तक ही हमको पकाना है। और हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और अब बारी आती है केक बनाने की। तो ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है केक बनाने के लिए। तो ये हमने रस लिए हैं, रस से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, एकदम लगेगा ही नहीं कि आप केक नहीं खा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको इस तरह का कोई भी बॉक्स लेना है। अगर आपके पास ऐसा बॉक्स नहीं है तो आप कोई टिफ़िन बॉक्स बच्चों का ले लीजिए, लंच बॉक्स ले लीजिए या फिर कोई इस तरह का कटोरा ले लीजिए। ऐसा बर्तन लीजिए जो फ्लैट हो नीचे से और फैला हुआ हो। तो बस इसमें हम रस लगा देंगे, पूरे अच्छे से लगा दिए हैं। और जो इन्हें शुगर सिरप बना के रखा है इसको ऊपर से डाल देंगे।
तो ये जो शुगर सिरप है इसको हमें गरम गरम ही डालना है, बहुत ठंडा करके नहीं डालना है। तो अभी ये हल्का गरम है तभी हमने डाल दिया है, पूरी रस पर हमने इसको डाल दिया है। अब इसके ऊपर जो हमने कस्टर्ड बना के रखा है, कस्टर्ड मलाई बना के रखी है, हम उसे डालेंगे। इसके ऊपर हमें पूरा बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देना है। जो इसका फ्लेवर होता है वो बहुत ही रिच आता है, बहुत ही टेस्टी आता है। को और इस लॉकडाउन में हम बाहर जा नहीं सकते हैं, बाहर का कुछ खा नहीं सकते हैं, तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। बच्चों को, बड़ों को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवर हमको मिलने वाले हैं। और हमें अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, ऊपर से थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, इससे इसका फ्लेवर और भी रिच आता है। और थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। ये एकदम ऑप्शनल है, आपके पास जो सामान घर में अवेलेबल है आप वो डालिए, नहीं तो ना डालिए। तो हमने इस पे डाल दिए हैं बादाम, और उसके ऊपर हम फिर से एक लेयर रस की रख देंगे। ये खाना कितनी आसानी से, कितनी जल्दी ये बन करके तैयार हो जाता है, आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी जल्दी ये केक बन के तैयार हो गया। और दूसरी लेयर के ऊपर भी हम शुगर सिरप को डाल देंगे। शुगर सिरप को डालने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं जो रस होते हैं, और इसमें जो फ्लेवर होता है वो पूरा केक का फ्लेवर आता है। और शुगर सिरप डालने के बाद उसके ऊपर हम फिर से कस्टर्ड को हम स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से फैला दिया है। और उसके ऊपर गार्निश करने के लिए हमने पिस्ता की कतरन डाल दी है, तो उससे हम गार्निश कर देंगे। आपके पास पिस्ता नहीं है या आप उससे नहीं करना चाहते, तो आप इसकी जगह बादाम, टूटी फ्रूटी या जो भी ड्राई फ्रूट है आप उसको डाल करके गार्निश कर दीजिए। और इसको हम सेट होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं। और देखिए चारों तरफ से आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना यम्मी लग रहा है। इसका खाने का तो मन अभी से ही कर रहा है, लेकिन अभी हमें इंतज़ार करना है 2 घंटे के लिए। तो चलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और ये एकदम से बहुत बढ़िया से सेट हो गया है, और ये बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी टेस्टी ये केक है। तो हम आपको काट के भी दिखाते हैं। हमारे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है। और ये देखिए वाओ, कितना टेस्टी, कितना ज़बरदस्त ये मलाई केक बन करके तैयार हो गया है। और ये बहुत ही सॉफ्ट, सुपर टेस्टी और क्विक इजी रेसिपी है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाता है। तो गाइज इस रेसिपी को आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी है और बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आपने अभी तक इस केक को नहीं खाया होगा। तो गाइज अगर रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ 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 एक लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि हमारी ये यूनिक सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।